नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है सबका एक नई वीडियो में। नौ हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हो गई है। एक इस्कोन के मॉन्क हैं अमोंग लीला प्रभु, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है स्वामी विवेकानंद। उसके बाद में इस्कोन ने उनको बैन भी कर दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए क्या है कि उन्होंने जिस लेवल पर क्रिटिसाइज किया है, देखो एक तो इनका अंदाज है फनी वे में कोई भी डायलॉग को रिलीज करना, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, जब ये क्रिटिसाइज कर रहे थे तो इन्होंने कोई मछली खाए, सिगरेट फूके, तो गलत किया ना। देखो, दिव्य पुरुष है नहीं है ये बात की बात। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा? क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है। और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। अपनी सारे दमखम झोंक दिए स्वामी विवेकानंद को क्रिटिसाइज करने में, और कहा कि वो मछली खाते थे, वो सिगरेट वगैरह पीते थे, इन सब बातों को लेकर। देखो ये कैसा भी मैटर है, ये साधुओं का मैटर है, हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद है वो इंडिया के लिए एक सॉफ्ट पावर है, और दूसरी बात इंडिया के रिलीजियस और कल्चरल अम्बेसडर रह चुके हैं और इन द फ्यूचर भी रहेंगे, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल फेस थे इंडिया की तरफ से। अमोंग लीला प्रभु किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल फेस नहीं है इंडिया के, लेकिन स्वामी विवेकानंद को क्रिटिसाइज करना एक तरह से इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को क्रिटिसाइज करने के बराबर है। ओवरऑल दुनिया में उनके स्पीच इतने ज़्यादा प्रभावी थे, इंडिया का उन्होंने पक्ष शिकागो में रखा था, उस बात को लेकर आज भी इंडिया वाले अपना सीना चौड़ा करके बोलते हैं। इवन दो कि जब दुनिया के सबसे पावरफुल स्टेट का कोई प्रेसिडेंट इंडिया आता है, डोनाल्ड ट्रंप, और वो विवेकानंद का नाम भी नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनका नाम लेना या उनके बारे में बात करना इंडिया में कितना ज़्यादा महत्व रखता है। किसी तरह से वो रिलीज करते हैं, प्रॉपर उनका नाम नहीं ले पाते हैं, जैसे इंडिया में कुछ लोग भी सोरैया नहीं कह पाते हैं, ऐसे ही। While our nations have many differences, they are both defined and propelled by a fundamental truth, the truth that all of us are blessed with divine light and every person is endowed with a sacred soul. As the great religious teacher Swami Vivekanand once said. तो कहने का मतलब यह है कि वो एक इंटरनेशनल फेस थे इंडिया की तरफ से, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, इंडिया के रिलीजन को रिप्रेजेंट करते थे। शिकागो में उनकी स्पीच इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि लोग आज भी उसका नाम लेकर और चौड़े हो जाते हैं कि जी हमने ऐसे एक मॉन्क को भेजा था जिसने पूरी दुनिया के रिलीजियस लीडर को हिला के रख दिया था। ऐसे में क्या है कि अमोंग लीला प्रभु उनको इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि कुछ कल्चरल इफेक्ट भी होता है। वो पैदा बंगाल में हुए थे, वहाँ पर मछली खाना उनके लिए एकदम आध्यात्मिक बात है, मतलब उनको इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं दिखता है। वो लोग जो नवरात्रि में इतना ज़्यादा देवी का पूजा करते हैं, शाम को घर पर आते हैं तो मछली खाते हैं, इतना ज़्यादा वो कल्चरली इन्वॉल्व है। इवन दो कि जगन्नाथ मंदिर में इस तरह के चीज़ों का प्रसाद बढ़ता है, तो कहने का अर्थ यह है कि उस एरिया में जहाँ पे ज़्यादा गेहूं नहीं हो सकता या जहाँ पे ज़्यादा इस तरह के फूड्स पैदा नहीं किया जा सकते, जहाँ पे मछली ही होती है, ज़्यादातर तालाब एरिया है या ज़्यादातर तराई इलाका है, तो वहाँ पे मछली ही लोग खाएंगे। अब आप इसको इस तरह से थोड़ी ना कह सकते हो कि जी वो तो ऐसा गलत करते थे। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है? ठीक है, ये फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है ये? अगर कोई ऐसा बोले तो ठीक है ये? नहीं, ये ठीक नहीं है। देखो, वैसे हम विवेकानंद जी का सम्मान करते हैं, अगर यहां विवेकानंद जी खड़े होते मैं उनको दंडवत करता कि भाई अच्छे साधु पुरुष है, लेकिन विवेकानंद जी की जो कुछ चीजें स्वीकार्य नहीं है वो फिर स्वीकार्य नहीं है। हम अंधा होकर स्वीकार नहीं करेंगे उनको। एज अ व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। हम भी प्रशंसा करते हैं उसकी, तो जो प्रशंसा करने वाली चीज है उसकी प्रशंसा भी करेंगे और करते भी हम, लेकिन जो चीज स्वीकार्य नहीं है वो स्वीकार्य नहीं है। जैसे ये बोलना कि बैंगन खाना तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि बैंगन से पेट भरता है, अरे भाई बैंगन को बनाओ, तुलसी का पत्ता रख के भोग लगाओ, बैंगन खा लो, पर ये बोलना तुलसी से वो श्रेष्ठ है ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये बोलना फुटबॉल खेलने से टीम स्पिरिट आती है, भगवद गीता पढ़ने से टीम स्पिरिट नहीं आती, तो भाई तुम 3 घंटा फुटबॉल खेलो
और आधा घंटा गीता पढ़ लो, कर सकते हैं ना। पर ये बोलना गीता पढ़ना उससे ज्यादा श्रेष्ठ फुटबॉल खेलना है, ये गलत है। इवन एक अंग्रेज ने पूछा कि विवेकानंद जी से आप ऐसे स्मोकिंग करते हैं ठीक नहीं है, उन्होंने बोला मैं भी इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने बोला। तो यानी अभी उनका कुछ चीजें छूटी नहीं थी अभी, राइट। एज अ व्यक्ति हम उनका सम्मान करते हैं, विवेकानंद यहां खड़ा होगा मैं उतर करके यहां से धन्यवाद करूंगा उनको, लेकिन कुछ जो चीजें जो स्वीकार्य नहीं है वो तो स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात की स्वामी विवेकानंद एक साधु थे और साधु जो है वो गांजा वगैरह पीता है, सिंपल सी बात है, इसको बहुत छुपाने और दिखाने की बात नहीं है। आप कभी भी किसी साधुओं की भीड़ को देखोगे उसमें एक आध दिख जाएगा जो इस तरह से गांजा वगैरह पी रहा होगा। तो अमेरिका में तो उनको गांजा और चिलम तो मिलेगी नहीं, तो वहाँ पे जो सिगरेट मिलता था वही पीते थे, वो एक मॉडर्न तरीका था उसका। तो इस वजह से इस बात के लिए उनको क्रिटिसाइज करना कि जी वो गांजा पीते थे, या इस बात के लिए कि उनको फिश बहुत पसंद थी या वो मीट खाते थे, तो देखो वो कल्चरल इफेक्ट है। लगभग मैं वेस्ट बंगाल के सारे लोग और ये इधर जितना भी खा ले आसाम वगैरह के ये फिश खाते हैं क्योंकि वो उनका कल्चर है। हाँ ये बात अलग है कि वो कह रहे हैं कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, इस मामले में स्वामी विवेकानंद को भी कहा जा सकता है, जैसे कि वो कहते थे कि फिश बहुत पसंद है यानी जीव हत्या हो गई, लेकिन वो वैदिक धर्म के ऊपर ही आरोप लगा देते थे कि वो बकरा बलि क्यों अलाउड करता है, इस तरह से बकरा बलि नहीं होना चाहिए, जीव हत्या बहुत बुरी चीज़ है, और दूसरी तरफ वो फिश खाते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि अमोघ लीला प्रभु एकदम से गलत है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बस ऐसे ही हैं, उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव अब वो प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो अब नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि वो एक इंटरनेशनल फेस हैं और इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करना या इस तरह से उनको क्रिटिसाइज करना ये भी किसी भी तरह से सही नहीं है। अगर इतना ही सही होता तो उनकी खुद की संस्थान इस्कॉन ने क्यों निकाल दिया उनको। अब दूसरी बात क्या है कि अगर इस पर आर्य समाज के लोगों का अगर कोई मत जानना चाहे तो सिंपली कह देंगे कि स्वामी विवेकानंद गलत थे क्योंकि किसी भी तरह से इस तरह के एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। ये भी बात सही है, उनका अपना अलग पर्सपेक्टिव है। अगर वेस्ट बंगाल या आसाम के इलाके में जाके और किसी से पूछोगे तो उनके लिए मछली एक स्पिरिचुअल चीज़ है एकदम से, बिना उसको खाए उनका जीवन नहीं है। उनके लिए है कि कोई दिक्कत नहीं है, खाते होंगे कोई दिक्कत नहीं है। किसी साधु से जाके पूछोगे कि गांजा पीना बुरी बात है, कहेगा नहीं जी बिल्कुल गलत बात नहीं है, हम तो पीते हैं। और अमोघ लीला प्रभु इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि वैदिक धर्म बहुत गलत है कुछ मामलों में, जैसे कि वो बकरा की बलि को अलाउड करता है, ये बहुत गलत है, इस तरह से जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, तो वो इस वजह से भी क्रिटिसाइज करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि एक तरफ तो आप मछली खा रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये वैदिक धर्म ने गलत कर रखा है, बकरा बलि नहीं होना चाहिए, और जबकि आपकी जो फेवरेट डिश है वो फिश है, मछली खाते हो। तो ये सब है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो वो कहते थे कि जहाँ कहीं भी जाओ, जहाँ जाना है वहाँ ही पहुँच जाओगे। कोई बोले अच्छा अच्छा अगर मेरे को पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया तो कैसे पहुंचेंगे, तो यतो मत ततो पथ, जिस रास्ते से निकलना है निकल जाओ, सब रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वो निकल गया एक अंटार्कटिका निकल गया, वो पहुंच गया अलास्का पहुंच गया, वो पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? नहीं, सारे रास्ते ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते। मेरे को यहां से मायापुर जाना है, कहता सब रास्ते गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहां निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जोतो मौत तोतो पौत, ये तो लॉजिकली भी सेंस नहीं बनाता ना। आप जीपीएस में डालो तो क्या सारे रास्ते जा रहे होते वहां पर? नहीं, बीच में जीपीएस कहता है भाई रास्ता गुम हो गया, भाई तू पागल हो गया, तू सब रास्ते एक और नहीं जाते। और एक और बता रहे, गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। और चैप्टर 9:23 में भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, याप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता तेपी माम एव कौन्तेय यजन्ती अविधि पूर्वकम्। जिसकी ट्रांसलेशन क्या है, दोज हु आर डिवोटीज ऑफ अदर गॉड्स यानी देवी देवताओं के भक्त हैं, एंड हु वर्शिप देम विद फेथ यानी जो उनकी पूजा करते हैं, वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, बोलेगा अरे वाह हो गया ना, यतो मत ततो पत हो गया ना। लेकिन आखिरी लाइन क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं, आखिरी लाइन भगवान बताते हैं यजन्ती अविधि पूर्वकम्, लेकिन वो मेरी गलत तरह से पूजा कर रहे हैं, ये विधि पूर्वक नहीं है, यजंती अविधि पूर्वकम। किसमें लिखा, भगवदगीता में। अब किसको मानेंगे, जोतो मौत तोतो पौत या भगवदगीता को मानेंगे, हम किसको मानेंगे, विवेकानंद को मानेंगे या भगवान कृष्ण को मानेंगे, भगवान कृष्ण को मानेंगे।
तो उनकी कुछ बातें जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, वैसे उनका सम्मान हम करेंगे ऐसा। तो इसलिए सब रास्ते एक और जाते हैं इज लॉजिकली, फिलोसॉफिकली, थियोलॉजिकली, एपिस्टेमोलॉजिकली, ऑन्टोलॉजिकली गलत है, ठीक है जी। तो यत्तम तत्वपत नहीं है, भक्त्या माम अभी जानाति, ठीक है जी, ठीक है। तो भक्ति से ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अभी काफी लोग अब जाना शुरू हो गए तो हम भी अब यहां विराम देंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे और डांस करेंगे, सब तैयार। तो ये मतलब वो स्पिरिचुअली ढंग से कहते थे, अब ये क्या है क्रिटिसाइज करने के लिए थोड़ा फनी वे में इस तरह से कह रहे हैं कि हाँ तो आप वेस्ट जाओगे तो साउथ कैसे पहुंच जाओगे, साउथ जाओगे तो ईस्ट कैसे पहुंच जाओगे, इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। क्योंकि वो उन्होंने स्पिरिचुअल तरीके से बोला था, यानी वो प्रॉपर चल के जाने की बात नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे जो अपना कॉन्शियसनेस है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो क्रिटिसाइज जब व्यक्ति करता है तो एकदम से ऐसे क्रिटिसाइज कर देता है कि वो किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल के क्रिटिसाइज किया जाता है। ये एक धर्म दूसरे धर्म पे भी आरोप लगाते हैं तो उसका हमेशा से अर्थ का अनर्थ निकाल के ही क्रिटिसाइज किया जा सकता है, हमेशा क्रिटिसिज्म ऐसे ही चलता है और इसी वजह से उन्होंने ऐसे कहा।